चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर भारत ने इतिहास रच दिया। वैसे तो चांद की सतह पर कई देशों ने लैंडिंग करवाई है, लेकिन साउथ पोल पर लैंड कराने वाला भारत पहला देश बन गया है। जबकि चांद के किसी भी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के मामले में भारत अब दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग की शुरुआत 5:30 पर हुई। रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब चंद्रयान 3 की चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। इसके 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से चंद्रयान 3 ने 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। फिर लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। शाम 6:04 पर लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुब्बार शांत होने के बाद ये बाहर आएगा। इस प्रोसेस में करीब 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेशन के बाद लैंडर का रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। इसके बाद इसके व्हील चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। फिर विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की तस्वीर लेगा। ये फोटो वो पृथ्वी पर भेजेंगे। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलते ही ये काम में लग जाएगा। रोवर 14 दिनों तक चांद के साउथ पोल पर रिसर्च करेगा। दरअसल चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक ही दिन होता है। ऐसे में साउथ पोल पर लैंड करने के बाद रोवर के पास काम खत्म करने के लिए केवल 14 दिनों का ही समय होगा। इस दौरान चांद पर धूप रहेगी और दोनों को सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। 14 दिन बाद साउथ पोल पर अंधेरा हो जाएगा। फिर लैंडर रोवर दोनों काम करने बंद कर देंगे। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका से वर्चुअली देखा। सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने इसरो और देश को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि चंदा मामा अब दूर के नहीं, टूर के हैं। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से जहां भारत का स्पेस पावर के रूप में उभरा है, साथ ही इसरो का दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले कद कहीं ऊंचा हो गया है। देशवासी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं और उनके काम की जमकर सराहना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, चंदा मामा के दूर के नहीं, एक टूर के हैं। उन्होंने इसरो और देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा, ये क्षण भारत के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृत वर्षा हुई है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की कुल दूरी 384,000 किलोमीटर है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।